हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा, रियल नंबर्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। डिविजिबिलिटी पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जब भी मैं कोई क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं, आप उसी समय वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हो, उसको सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के फाइनल आंसर चेक करो। इनकेस कोई भी मिस्टेक है तो उसको वहीं पर करेक्ट कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर वन फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि सबसे बड़ा नंबर ऑफ सिक्स डिजिट। सिक्स डिजिट का सबसे बड़ा नंबर फाइंड करने को बोला गया है। जनरली सिक्स डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये होता है कि आप 6 बार 9 लिख दो। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में एक कंडीशन है, फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज थ्री नंबर्स। ऐसा सबसे बड़ा डिजिट निकालो, सबसे बड़ा नंबर 6 डिजिट का, जो इन तीनों से क्या हो, डिविजिबल हो। क्या हो? डिविजिबल हो। तो अब क्या करेंगे, अब अपन इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले अपन इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 24, 15, 36। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे 24, 15 और 36। 3 से काटेंगे 8, 5, 12। फिर 3 से काट देंगे 8, 5, 4। फिर अपन 5 से कट कर देंगे 8, 1, 4। और 3 बार अपन कट करेंगे 2 से, तब जाके ये आपका एक बार कट करके आएगा 4, 1, 2। फिर आएगा 2, 1, 1 और फिर आएगा 1, 1, 1। तो जो आपका एलसीएम है वो क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट, इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे अपन एलसीएम, जो कितना आएगा 360। यानी कि इन तीन नंबर्स का, गिवन तीन नंबर्स का एलसीएम है 360। अब सबसे बड़ा जो 6 डिजिट का नंबर है वो क्या होता है कि आप 6 बार 9 लिख दो। लेकिन यहां पे वो अपना आंसर नहीं है। रीजन, क्योंकि क्वेश्चन में आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन लिखी है। आपको ऐसा नंबर निकालना है 6 डिजिट का, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो। तो पहली बात, जिन से डिविजिबल आपको करवाना है, आपने उन नंबर्स का एलसीएम निकाल लिया। अब यहां लिखेंगे आप ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है 6 टाइम्स 9 लिख दो। अब आप क्या करो, 9 को आप बना दो आपका डिविडेंड। ठीक है, और जो आपका एलसीएम आया है उसको आप बना दो डिवाइजर और डिवीजन करना स्टार्ट कर दो। 360 ट्वाइस, ये आ गया 720। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 9, ये हो गया 7, ये हो गया 2। इस 9 को कैरी डाउन करेंगे। अब यहां लिखेंगे 7, 7 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा 2520। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 2, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9। नेक्स्ट वाले 9 को कैरी डाउन करेंगे, फिर लिखेंगे 7, तो ये आ गया 2520। फिर से सब्ट्रैक्ट करके 279 लिखेंगे, फिर इस 9 को कैरी डाउन करेंगे, फिर यहां लिखेंगे 7। ठीक है, फिर से क्या आ गया भाई, 2520। ठीक है, यहां तक। लास्ट में आपका रिमाइंडर वापस 279 आ गया। अब जो आपका फाइनली क्या आया है, रिमाइंडर आया है। फाइनली क्या आया है, रिमाइंडर आया है। आप उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो। किस में से करोगे, लार्जेस्ट नंबर में से। तो अपन यहां लिखेंगे कि हमारा जो रिमाइंडर है वो आया है 279। ठीक है, तो रिक्वायर्ड लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, रिक्वायर्ड लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इज क्या है, वो सबसे बड़ा नंबर लिख दिया 6 डिजिट का, उसमें से हम हमारे रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम हमारे रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने से आएगा 999720। ये सबसे बड़ा नंबर है 6 डिजिट का, जो इन तीनों से डिवाइड हो सकता है। अब कभी भी आपको आपका आंसर वेरीफाई करना हो तो आप क्या करोगे, आप एक एक करके डिवीजन करके देख लो। अगर डिवाइड हो रहा है तो हर केस में
आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो आना चाहिए। जीरो आने से ये कंफर्म हो जाएगा कि ये नंबर इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो दिस इज द हाईएस्ट सिक्स डिजिट नंबर, द ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन समझ लिया है, बहुत इजी है। स्टेप वन एलसीएम, स्टेप टू डिविजन, स्टेप थ्री में रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना। क्या करेंगे, पॉज करेंगे और एक बार इसको खुद से ट्राई करेंगे। आंसर क्या है, 999720। ठीक है, तो पॉज करो और ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द गिवन थ्री नंबर्स। अभी जस्ट आपने किया था फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। ऐसे केस में आपने ये सीखा कि गिवन नंबर्स का एलसीएम लो, फिर जो ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर है यानी कि सिक्स टाइम्स आप नाइन को लिखो, जो आपका एलसीएम आया उस एलसीएम को डिवाइजर बना दो और डिवाइड कर दो, रिमाइंडर जो आएगा उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो, किस में से, सिक्स टाइम्स नाइन में से। तो जो फाइनली रिजल्ट है वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, ये क्वेश्चन स्मॉलेस्ट नंबर पे है। तो अब आपका इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, सबसे छोटा नंबर बताओ जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसा सोचो कि ये क्वेश्चन आपका यहीं पे एंड हो गया, आगे की लाइन अभी मत पढ़ो, सिर्फ इतना ही पढ़ो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। ठीक है, अब जब भी आप ऐसा पढ़ो तो आपको ये लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 35, 56, 91 इज एलसीएम ऑफ द नंबर्स। ये जो आपके नंबर्स हैं उन नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम का जो आंसर है डैट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर जो इनसे डिविजिबल होगा। ये रूल है। ठीक है, तो अब निकाले एलसीएम 35, 56, 91, 7 से डिवाइड करेंगे, 7, 5, 8 और ये आगे अपना 13, 5 से डिवाइड करेंगे 1, 8 और 13, 13 से डिवाइड करेंगे 1, 8 और 1 और तीन बार डिवाइड कर देंगे 2 से। क्लियर यहां तक? तो इस हिसाब से अपना जो एलसीएम है वो क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13, अच्छा तीन बार 2 है यानी कि मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये प्रोडक्ट आ गया 3640। ये इन चार नंबर्स का प्रोडक्ट है 3640। अगर क्वेश्चन यहां पे एंड हो जाता तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन थ्री नंबर्स। लेकिन क्वेश्चन में अब आगे भी कुछ लिखा है, उस पर दिमाग लगाते हैं, एंड लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। हम ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालना चाहते हैं जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए लेकिन हर बार रिमाइंडर क्या दे, 7, यानी कि वी डू नॉट वॉन्ट एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर। हम ऐसा नंबर चाहते हैं जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 आ जाए, सिंस रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 7, रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 7, सो देयरफॉर हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या होगा, जो आपका एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर है उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दो, बस खत्म। इतना छोटा सा लॉजिक है। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। अगर ये लाइन क्वेश्चन में नहीं होती तो ये आपका आंसर है, रिमाइंडर देखते हुए अपन ने उसको ऐड कर दिया अपने गिवन नंबर में जो एलसीएम आया, तो ये आपका फाइनल नंबर है। अब अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप क्या कर सकते हो, इस बड़े नंबर को इनमें से किसी से भी आप डिवाइड करके देख लो, लास्ट में जाके रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो पॉज करना है और खुद को ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल
बाय बोथ द गिवन नंबर्स, इन दोनों नंबर्स से एग्जैक्टली डिविजिबल है आपका स्मॉलेस्ट नंबर, लेकिन वो एग्जैक्टली डिविजिबल कब हुआ, जब आपने उसको 17 से इंक्रीज किया। मतलब आप ये बोल रहे हो कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो डिविजिबल नहीं था, जब ओरिजिनल नंबर को हमने 17 से इंक्रीज करा तब जाके वो एग्जैक्टली डिविजिबल बना। समझ में आ गई बात? तो अपन यहां अज्यूम करते हैं, लेट द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बी एक्स, जो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है वो एक्स है, यानी कि एक्स जो है वो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, लेट द ओरिजिनल नंबर बी वाई, ओरिजिनल नंबर बी वाई, आपका जो ओरिजिनल नंबर है उसको 17 से इंक्रीज करोगे तब जाके एक्स पे पहुंचोगे। सो देयरफॉर y प्लस 17 इज इक्वल टू एक्स, क्वेश्चन में यही तो बोला है, फाइंड करो स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल। ये एग्जैक्टली डिविजिबल कब वर्ड यूज हो रहा है? जब आप इसको 17 से इंक्रीज कर रहे हो, तो ये आपका क्या है? ओरिजिनल स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको आप 17 से इंक्रीज कर रहे हो तब जाके आपको एक नया नंबर मिल रहा है। वो नया नंबर किससे डिविजिबल बन गया? इन दोनों से डिविजिबल बन गया। तो अब अगर आपको आपका ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है तो आपको इस 17 को उधर ले जाना पड़ेगा और वो क्या बनेगा? x माइनस 17। तो अब क्वेश्चन जो है उसमें y डिपेंड कर रहा है x पे, जब तक मैं x नहीं निकालूंगा मैं y नहीं निकाल सकता। x क्या है? x इज द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल, ठीक है, नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय किससे? 520 एंड 468 विल बी देयर एलसीएम। देयरफॉर हमारा जो x है वो किसके इक्वल है? एलसीएम के इक्वल है। हमारा x जो एग्जैक्टली डिविजिबल है इन दोनों नंबर्स से वो एलसीएम के इक्वल है, यानी कि अगर मैं इन दो नंबर्स का एलसीएम निकाल दूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं एलसीएम निकालता हूं, देखो बहुत इजी होता है यार, 520 और 468। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इनको 4 से कट कर देता हूं, तो ये हो गया 130, ये हो गया 117। अब मैं इनको 13 से कट कर देता हूं तो ये हो गया 10 और ये हो गया 9। अब मैं 2 से कट करता हूं तो 5, 9, 5 से कट करता हूं 1, 9, 3, 1, 3, 3, 1, 1। एलसीएम में हमेशा आप किससे डिवाइड करते हो? प्राइम नंबर्स से। सो देयरफॉर एक्स विच इज इक्वल टू एलसीएम इज इक्वल टू इन सबका क्या? प्रोडक्ट। तो 4 × 13, अच्छा 5 × 2 = 10, 3 × 3 = 9। छोटे छोटे प्रोडक्ट तो ओरली हो सकते हैं, अब आप इन सबका प्रोडक्ट करेंगे तो 4 × 9 = 36, 36 को 10 से करा 360, 360 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4680। ये किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है। एक्स आपका वो नंबर है जो इन दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है, लेकिन जो आपका स्मॉलेस्ट ओरिजिनल नंबर है वो कैसे आएगा? वो आएगा इक्वेशन 1 से। आपका स्मॉलेस्ट ओरिजिनल नंबर है y, जिस पे क्वेश्चन टिका हुआ है। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि हमको y फाइंड करके दो, और y वो नंबर है जिसको 17 से बढ़ाने के बाद वो डिविजिबल बना है, यानी कि y में 17 जोड़ा तब जाके x आया। तो अगर आप x में से 17 को कम कर दोगे तो y आ जाएगा। उल्टा बोल दो बात, y में 17 जोड़ा तो x आ गया, तो x में से 17 को कम कर दो तो y आ जाएगा। तो अब आप x में से 17 को क्या कर दो? कम कर दो, तो y इज इक्वल्स टू 4680 माइनस 17। इजी तो है, ठीक है।
यही लिखा है, तो अब माइनस करेंगे तो ये हो गया 4663। सो ये अपना स्मॉलेस्ट नंबर है। जब आप इस नंबर को 17 से इंक्रीज करोगे तो आपके पास ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? तो पॉज करेंगे और खुद से जरूर ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, फाइंड करो लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर दैट डिवाइड्स। यानी कि इस बार क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल गई, इस बार ये नहीं है दैट इज डिविजिबल बाय, इस बार है दैट डिवाइड्स। सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा, लेकिन डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर दे रहा है। जब डिवाइड कर रहा है इनको तो रिमाइंडर भी दे रहा है, लीव्स रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर दे रहा है? इसके साथ रिमाइंडर दे रहा है 5 और इसके साथ रिमाइंडर दे रहा है 7। मान लो आपका जो लार्जेस्ट नंबर है वो है एक्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब एक्स 2053 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर देगा क्या? रिमाइंडर देगा 5। और ये एक्स जब 967 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या देगा? 7। क्लियर? एक्स इज द लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करने जा रहा है, लेकिन डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर दे रहा है। यानी कि ये दोनों नंबर एक्स के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो अगर इनके जो रिमाइंडर्स हैं मैं उनको इनमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एग्जैक्टली डिविजिबल बन जाएगा। यानी कि अगर मैं बोलूं 2053 में से रिमाइंडर और 967 में से रिमाइंडर को कम कर दो तो क्या ये मेरे दो नए नंबर्स हैं? तो अब जो रिमाइंडर वाली प्रॉब्लम थी मैंने उसको गायब कर दिया क्वेश्चन से। यानी कि इस बार जो मेरे ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स इस लार्जेस्ट नंबर यानी कि एक्स से क्या बन गए? एग्जैक्टली डिविजिबल बन गए। ओरिजिनल नंबर्स को जब एक्स डिवाइड कर रहा था तो उनके साथ रिमाइंडर भी बच रहा था। मैंने ओरिजिनल नंबर्स में से रिमाइंडर को कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो जो मेरे नए नंबर्स आए वो नए नंबर्स अपने आप ही एक्स से क्या बन गए? एग्जैक्टली डिविजिबल। तो अगर आप कभी भी एक ऐसा नंबर ढूंढना चाहते हो जो आपके गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे, उनसे हो नहीं रहा है डिवाइड, उनको कर रहा है, वी आर गोइंग टू फाइंड एक्स जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो एक्स क्या होगा? इनका कॉमन फैक्टर। और यहां वर्ड है लार्जेस्ट, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब जो मेरा एक्स है वो क्या है? वो एचसीएफ है। किसका एचसीएफ है? 2048 और 960 का। एक्स इन दोनों का क्या है? एचसीएफ है। एक्स विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। ये क्वेश्चन का लॉजिक है, इससे आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। और आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका 64। अभी बता दिया मैंने, आंसर आएगा 64। सो 64 इज द लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों को तो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, और जब ओरिजिनल नंबर्स को डिवाइड करेगा तो उनके साथ ये रिमाइंडर्स भी छोड़ेगा। तो अब क्वेश्चन का लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन कॉपी करो, पॉज करो और एक बार खुद से जरूर ट्राई करो। ठीक है, तो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करें। देखो अब मैं आपको क्वेश्चन की वर्किंग बता रहा हूं, इनकेस कोई भी आपकी वर्किंग में गलती हो तो उसको ठीक कर लेना। क्वेश्चन है, आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो अपन यहां लिखेंगे लेट एक्स बी द लार्जेस्ट नंबर, लेट एक्स बी द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, विच डिवाइड्स 2053 एंड 967 एंड लीव्स रिमाइंडर, एंड लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 7। सो देयरफॉर एक्स इज द लार्जेस्ट नंबर, एक्स इज द लार्जेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड
किसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, विल एग्जैक्टली डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स. एक्स इज द लार्जेस्ट नंबर जो आपके फॉलोइंग नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा. क्या होंगे वो फॉलोइंग नंबर्स? 2053 और 967 में से इनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो. ये आपके फॉलोइंग नंबर्स हैं. एक्स वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड एग्जैक्टली कर देगा. सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ 2048 एंड 960. तो अब आपको इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है. तो 960 को आप बाहर लिखो, 2048 को आप अंदर लिख दो. स्टार्ट करेंगे एचसीएफ निकालना तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1920, सब्ट्रैक्ट करने पे रिमाइंडर आएगा 128. 960 को यहां इसके आगे लिखेंगे क्लियर, और यहां लिख देंगे 7. 7 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 896, सब्ट्रैक्ट करने पे रिमाइंडर आएगा 64. 128 को आगे लिख देंगे और यहां कर देंगे डबल, तो 128 रिमाइंडर आ गया 0. तो फाइनली जो आपका रिमाइंडर आया वो किस से डिवाइड करने पे आया? 64 से. सो 64 इज द एचसीएफ. तो अपन यहां लिख देंगे देयरफॉर एचसीएफ इज 64. एचसीएफ क्या है? 64. इट इंप्लाइज एक्स इज 64. 64 हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, हमारा आंसर है, यानी कि वो लार्जेस्ट नंबर है जो इन दोनों को क्या करेगा? डिवाइड करेगा और ये रिमाइंडर्स निकाल के देगा. ठीक है, तो वर्किंग चेक करेंगे, कोई भी मिस्टेक है तो उसे करेक्ट करेंगे. आंसर नहीं आया तो कैलकुलेशन में आप अपनी गलती ढूंढो और उसको फिर दोबारा से खुद ट्राई करो. तो पॉज करो और ट्राई करो. अब देखो ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी कितना सिमिलर है, बिल्कुल सेम वर्किंग पे बेस्ड है ना. वही लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, इस बार 2 की जगह 3 नंबर्स हैं, तो उनपे क्वेश्चन चलेगा, है ना. तो क्या करेंगे, हमेशा की तरह पॉज करके पहले खुद से ट्राई करेंगे, आंसर निकालेंगे ढंग से. ये आपका क्या है? होमवर्क है. ये होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसे प्लीज जरूर ट्राई करो. इसका सोल्यूशन और इससे ही रिलेटेड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा. तो आप इसको पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको सोल्यूशन भी मिलेगा. लेकिन जब भी मैं आपको बोलूं कि इसको प्लीज ट्राई करो, किसी भी क्वेश्चन को पॉज करके, तो उसी समय आप वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करो. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर. बेटा रियल नंबर्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे. ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, अगर आपने ट्राई कर लिया तो वेरी गुड, इसका आंसर आएगा 17. नहीं किया, कोई भी डाउट है तो इसको अपन आज सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसी से ऐसे ही और क्वेश्चंस आगे और डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं. क्या करना है? फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड. जब भी आप क्वेश्चन में देखोगे नंबर विल डिवाइड, ऐसा नंबर निकालो जो डिवाइड करेगा, यानी कि आपको एचसीएफ निकालना है. अब किनको डिवाइड करेगा? इन तीन नंबर्स को डिवाइड करेगा. एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है, रीजन क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है लीव्स रिमाइंडर. इन तीनों को डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, वो क्या है? 7, 11 और 15. तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने इन गिवन नंबर्स में से सबसे पहले इनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है? लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करने पे है. लेट द लार्जेस्ट नंबर बी एक्स. ठीक है, सिंस एक्स डिवाइड्स, एक्स क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है किनको? 398, 436, 542 एंड लीव्स रिमाइंडर, एंड लीव्स रिमाइंडर 7, 11, 15 रिस्पेक्टिवली. सो देयरफॉर एक्स विल एग्जैक्टली डिवाइड
द फॉलोइंग नंबर्स, एक्स विल एग्जैक्टली डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स, एक्स फॉलोइंग नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा. कौन है वो फॉलोइंग नंबर्स? 398 पहला नंबर में से रिमाइंडर, 436 में से रिमाइंडर और 542 में से रिमाइंडर. तीनों में से तीनों के रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये आ जाएगा मेरा 391, ये आ जाएगा 425 और ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 527. यानी कि x वो नंबर है जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू एच सी एफ ऑफ 391, 425 एंड 527. x अगर आपको फाइंड करना है तो आपको इन तीन नंबर्स का क्या निकालना पड़ेगा? एच सी एफ निकालना पड़ेगा. अब तीन नंबर्स का एच सी एफ निकालने का तरीके दो होते हैं. पहला, दो नंबर्स को सिलेक्ट करके यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ, डिवीजन एल्गोरिथम, उससे आंसर निकाल के उस आंसर के साथ तीसरे वाले के साथ फिर से एल्गोरिथम लगाओ. दूसरा थोड़ा सा इजी तरीका, तीनों नंबर्स का सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो. तीनों नंबर्स का सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो. ठीक है, तो 391 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर साथ में 23 आएगा. 425 के फैक्टर्स ये आएंगे. 25 को आप लिख सकते हो 5 into 5, क्योंकि अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो अपन हमेशा प्राइम नंबर्स ही लिखेंगे. और इसको अपन लिख सकते हैं 17 × 31. अब इन सारे फैक्टर्स में से आपको क्या दिख रहा है कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर है 17. सो देयरफॉर एक्स विच इज इक्वल टू एच सी एफ इज इक्वल टू 17. तो ये मेथड फैक्टराइजेशन करने का बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें आपका टाइम बचता है एज कंपेयर टू डिविजन एल्गोरिथम. आंसर उससे भी 17 आएगा लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है. ठीक है, तो डिविजन एल्गोरिथम में से भी आपने किसी ने अगर करा है तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है. अल्टीमेटली आपका आंसर मैच करना चाहिए. ठीक है, तो आप पॉज करो, कोई भी मिस्टेक है तो उसे चेक करो कि क्या गलती हुई और उसके बाद एक बार और प्लीज खुद से ट्राई करो. ठीक है, तो पॉज करो और ट्राई करो. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. देखो, फाइंड करना है क्या नंबर नियरेस्ट टू 110,000. 110,000 से सबसे क्लोज नंबर आपको फाइंड करना है. ये नंबर ग्रेटर होना चाहिए 100,000 से. तब यार एक कॉमन बात है ना, ये लाइन क्वेश्चन में देने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि जो नंबर 110,000 से क्लोजेस्ट होगा वो 100,000 से तो कॉमन सी बात है ना कि बड़ा होगा. 110,000 से जरा से गैप में कोई नंबर है, जरा सा उससे छोटा है तो 100,000 से तो बड़ा ही है ना. अब आपका ये क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है. अब आप सीधा इधर आ जाओ. फाइंड नंबर नियरेस्ट टू 110,000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन थ्री नंबर्स. ऐसा नंबर निकालो 110,000 से छोटा जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए. यानी कि सबसे पहले आप इन तीनों का एलसीएम निकालो, 8, 15 और 21. और वैसे देखा जाए आप इनका एलसीएम ओरली निकाल सकते हो. पता है क्या आएगा? 8 × 3 × 5 × 7. अब मैंने कैसे सोचा ओरली? देखो 8 तो सबसे यूनिक है क्योंकि वो इवन नंबर है ना, तो इसके प्राइम फैक्टर तो आएंगे 2, 2, 2, जो इनमें से किसी का कॉमन नहीं है, है ना. तो इसका 8 का 8 तो लिख दिया. 15 और 21 में कॉमन फैक्टर है 3, 3 से काटो इन्हें तो इसका बचा 5, इसका बचा 7 और उन दोनों को बचे हुए को यहां लिख दो, है ना. ऐसे एलसीएम मैंने डायरेक्टली निकाल दिया. तो अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा एलसीएम आ गया 840. इन तीन नंबर्स का एलसीएम है. यानी कि अब आपको फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 840. 840 से डिवाइड हो जाएगा और इससे क्या होगा? क्लोजेस्ट होगा. तो अब आप इसको इससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो. 840 को बना दो डिवाइजर, 110,000 को बना दो डिविडेंड. ठीक है, तो 840 को अपन डिवाइड करना चालू करते हैं. तो यहां लिखेंगे 840, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां आएगा जीरो, यहां आएगा अपना कितना 2,
फिर यहां आ जाएगा 6, यही आएगा भाई। अब एक जीरो को आप कॉपी डाउन कर लो, तो 840 को आगे काटोगे तो यहां लिख सकते हो 3, 3 0 0, 3 4 12 का 1 कैरी, 2 5 2 0। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, यहां आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा 8, इस 0 को कर लो कॉपी डाउन। अब जो आपका रिमाइंडर है वो रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है, ये रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है तो आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फाइनली आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आया है, वो आया है 800, यानी कि आपके एलसीएम ने जब 1,10,000 को डिवाइड किया तो उसने रिमाइंडर दे दिया 800, तो आपका एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर क्या होगा। सो देयरफॉर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 840 विल बी, क्या होगा भाई वो नंबर, वो नंबर होगा कि 1,10,000 में से जो एलसीएम आया है उसको कर दो सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या आएगा भाई सब्ट्रैक्ट करने पे, 109,200, क्या आएगा भाई 109,200। तो ये वो नंबर है जो कि ऑब्वियसली 1,00,000 से बड़ा है और 1,10,000 से छोटा है, और साथ में इन तीनों से क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल है। चाहो तो डिवाइड करके चेक कर लो, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट देखो, अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, ये अपने आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपन ने इस टाइप के क्वेश्चंस को पूरी तरीके से कवर कर लिया। आज अपन ने स्टार्ट करा था क्वेश्चन नंबर 5 से, 5 के बाद 6 हो गया और ये 7 है। फाइंड करना है लीस्ट नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय, ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालो जो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा डिविजिबल बाय किन से, बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 और 10, 1 और 10 के बीच में जितने नंबर्स आते हैं उन सब से डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर्स बिटवीन 1 और 10 क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये नंबर्स हैं अपने क्या, कहां से कहां तक, 1 और 10 के बीच में। तो अब अपन क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालते हैं, निकाले एलसीएम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 2 से काटेंगे 1, 3, 2, 5, 3, 7, 8, 8 की जगह 4, फिर 2 से काटेंगे 1, 3, 1, 5, 3, 7, 2, 9, फिर 2 से काटेंगे 1, 3, 1, 5, 3, 7, 1, 9, अब 3 से काट देंगे 1, 1, 1, 5, 1, 7, 1, 3, फिर 3 से काट देंगे 1, 1, 1, 5, 1, 7, 1, 1, अब 5 से काट देंगे तो 1, 1, 1, 1, 1, 7, 1, 1, और लास्ट 7 से काट देंगे तो सारे ही 1 हो गए, ठीक है भाई। ये आपने क्या निकाल दिया, ये आपने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब आप इन सब का प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहां लिख सकते हो एलसीएम, ठीक है, क्या है हमारा एलसीएम, कर दो इनका प्रोडक्ट, 3 बार तो 2 है यानी कि 8, 2 बार 3 है यानी कि 9, फिर है 5 और 7। अब मैं इन सबका प्रोडक्ट कर दूंगा तो मेरा आ गया 2520, प्रोडक्ट क्या आ गया भाई 2520। सो 2520 इज द लीस्ट, यानी कि इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो 1 से लेकर 10 के बीच में जितने नंबर्स आते हैं सबसे डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर 2520 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, क्या है ये स्मॉलेस्ट नंबर है डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 और 10, ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो 1 से 10 के बीच में जितने नंबर्स आ रहे हैं सबसे डिवाइड हो जाएगा। चेक करके देख लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसी से भी डिवाइड करके देख लो, सबसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है, क्या करना है वही सेम चीज, पॉज करना है और खुद को जरूर ट्राई करना है, फेयर कॉपी टाइम पे बनानी है। कोई भी डाउट है आप वीडियो को ऑब्वियसली दोबारा देख सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।